આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. રોયલ ઓર્કિડ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે અને કંપનીના સીએફઓ અમિત જયસ્વાલ આપણી સાથે વાતચીત કરશે. હાય સર, શુક્રિયા મેરે સાથ જુડને કે લિયે. સબસે પહેલે તો વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. સબસે પહેલે મેં એકચ્યુઅલી શરૂઆત વહીં સે કરના ચાહ રહી થી, ક્યોંકિ પિછલા પૂરા એક સાલ હમ લોગો ને યે ડિસ્કશન કિયા થા કે ડિસરપ્શન થા, થોડી નોર્મલ સી વાપસ આયે, ઉસકે બાદ હમ લોગ થોડા સ્ટેબિલાઇઝ હોને કી બાત કરેંગે. અબ ચીઝે થોડી અનલોક હો રહી હૈ આપકે લિયે. કિસ તરીકે સે યે શેપ અપ હો રહા હૈ, ક્યા યે સિનારિયો આપકે ઇન્ડસ્ટ્રી મે ભી વિઝિબલી દિખ રહા હૈ, ક્યા ચીઝે થોડી બેટર ટર્ન આઉટ હો રહી હૈ? ઓક્યુપન્સી લેવલ સે શરૂઆત કરે, એક આઈડિયા અગર આપ મુજે જો બીતા હુઆ ક્વાર્ટર હૈ ઉસકો ઉસકે લિહાઝ સે દે પાએ. અગર ઓક્યુપન્સી લેવલ જો હૈ જુલાઈ ઓનવર્ડ 60% ઓક્યુપન્સી ક્રોસ કર ગયા, સબ મોસ્ટ ઓફ ધ હોટલ મે ઓક્યુપન્સી ઇમ્પ્રૂવ કર ગઈ. જો સેકન્ડ વેવ ખતમ હોને કે બાદ સે કાફી ઓક્યુપન્સી ઇમ્પ્રૂવ કી હૈ, બટ જો રેટ હૈ વો બઢને મે થોડા ટાઈમ લગે. लेजर जो होटल है वो तो बहुत अच्छे करने स्टार्ट कर दिए. बिजनेस होटल्स में जब तक कॉर्पोरेट ट्रैवल पूरा शुरू नहीं हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रैवल फुल शुरू नहीं हो जाता, तब तक रेट बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है. बाकी बिजनेस इंप्रूव होना चालू हो गया है एंड फॉर्चुनेटली इंडिया में इम्प्रूवमेंट भी काफी फास्ट होता है. हम लोगों ने सोचा था कि बहुत टाइम लगेगा, बट आई थिंक इम्प्रूवमेंट काफी फास्ट होना शुरू हो गया. अच्छा, अग्रीड सर. अच्छा, क्योंकि जहाँ तक मैं ठीक समझ रही हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नियरली 45% की ऑक्यूपेंसी अगर होती है तो ब्रेक इवन आ जाता है. अब इस सिनारियों में जब हम लोग एक्सपेंसेस इतने बढ़ते हुए देख चुके हैं, जो एड ऑन हो चुके हैं पिछले एक साल के दौरान, उसके बाद कंडीशन क्या है ब्रेक इवन होने के लिए? और साथ ही आप ऑक्यूपेंसी लेवल्स की जो मुझे बात कर रहे थे, तकरीबन 60-65% तक का है, एवरेज रूम रेट की क्या कंडीशन है पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल को छोड़ देते हैं क्योंकि कोविड के डिस्ट्रप्शंस थे, तो प्री कोविड लेवल्स के साथ कंपेयर करते हैं, क्या उतना मिटिगेट हो चुका है जो डिफरेंशियल था वो? अब वापस नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम बच देख रहे हैं आप, एक आइडिया अगर दे पाए मुझे? एवरेज रूम रेट अभी भी कम से कम तो 30% कम है जो प्री कोविड लेवल था, उससे अभी भी एवरेज रूम रेट 30% कम है. उसमें तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, अभी 6 महीना कम से कम लगेगा एवरेज रूम रेट ऊपर जाने के लिए. बट गुड पार्ट ये है कि कोविड के कारण हम लोगों ने अपना कॉस्ट को काफी कंट्रोल किया. अगर हमारा फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी आप देखें तो कॉस्ट को कम करने के कारण जो है वी आर एबल टू फेयर काफी बेहतर हम कर पा रहे हैं, और उम्मीद है कि जो एवरेज रूम रेट भी अगला 6 महीने में जो है ऊपर आ जाएगा, तब जो है कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाए, बिकॉज़ कॉस्ट पे हम लोग काफी कंट्रोल पे चला रहे हैं होटल्स को. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, करंटली ऑपरेशनल कितनी होटल्स हैं और कैपेसिटीज कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए? सी, अभी तो हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे सारे होटल्स खुले हुए हैं, और जैसा मैंने बताया कि आपको ऑक्यूपेंसी लेवल भी काफी अच्छे हो गए, बट हमने अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, अपना अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह को सेम कोविड के कारण जो है जो कंट्रोल्स स्टेप्स हमने लिए थे उसी पे हम चला रहे हैं, जिसके कारण बेटर जीओपी आ रही है. पिछला 2 महीना में काफी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, कैश प्रॉफिट में है अभी कंपनी आ गई है, तो स्लोली जो है हमारे जो पुराने लॉसेस हुए हैं एक साल में बेशक हुए हैं, उन लॉसेस को रिकूप करने का हम प्रयत्न करेंगे. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, 2 या 3 बाइफरकेशन मुझे समझने थे, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाह रही थी कॉर्पोरेट ट्रैवल से. कितना फॉर्मेट करता है आपके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के अंदर, और साथ ही कितना नॉर्मल से वहां पर रिटर्न होती हुई दिख रही है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो हम लोगों ने काफी ज्यादा इमर्ज होते हुए देखा है. अब जब हम लोग ऑलरेडी ऑक्यूपेंसीज के अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स के अंदर डिमांड भी अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है, कॉर्पोरेट ट्रैवल का क्या सिनेरियो है? कॉर्पोरेट बिजनेस जो था हमारे ग्रुप में, स्पेशली हमारा आईटी पे डिपेंडेंसी काफी रहा है, हम लोग बैंगलोर बेस्ड कंपनी है तो आईटी पे हमारा काफी डिपेंडेंसी रहा है. 50% हमारा बिजनेस जो है 50% करीब कॉर्पोरेट से आती थी पहले कोविड के पहले. अभी जो है कॉर्पोरेट जो है आप अगर आप देखें तो जो है स्टिल आई थिंक कि जो है काफी कम है कॉर्पोरेट ट्रैवल जो उतना नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे कॉर्पोरेट ट्रैवल भी खुल रहे हैं. अदर इंडस्ट्रीज तो खुल गई है, बट आईटी में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है जिसके कारण जो है
पूरी तरह से आईटी बिजनेस अभी वापस नहीं आई है, बट जो है दैट इज द स्टेटस। एंड हम हमारी उम्मीद है कि नादर अभी 4-5 महीने में फिर आईटी बिजनेस भी जो है आने लगे। ओके अग्रीड सर। अच्छा एक और बाइफर्केशन की जो मुझे बात करनी थी वो सेगमेंटल के फ्रंट पे था। नियरली 40% आपका फूड्स और बेवरेजेस में से आता है। इस बार परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले किस तरीके से वो शेप अप हो रहा था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। फूड एंड बेवरेज जहां तक कंसर्न करता है, फूड एंड बेवरेज हैज कम बैक टू नॉर्मलसी। आप अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह देखें तो काफी नॉर्मल हो गए हैं, अब वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, खासकर जुलाई के बाद से तो काफी नॉर्मल हो गए। बट जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फूड एंड बेवरेज में, वो है जो मेजर शेयर था वो है बैंक्वेट बिजनेस का। तो बैंक्वेट बिजनेस अभी भी आई थिंक 50% है पुराने बैंक्वेट बिजनेस के कारण, क्योंकि अभी भी रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिजेस जो है वो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। मैरिज शादियों के जो हमारे पहले अच्छे वेन्यूज हैं सारे होटल्स में, तो उसमें नंबर ऑफ पैक्स, नंबर ऑफ लोगों का जो रेस्ट्रिक्शन है उसके कारण हमारा बिजनेस थोड़ा इम्पैक्टेड है। वो भी खुलेगा और जब ये थोड़ा सा और इकोनॉमी खुलेगा और जब कोरोना का वैक्सीन कंप्लीट कर देंगे, तब उसके बाद से नंबर जब हटेगा तब हमारा बैंक्वेट का बिजनेस जो है विल कम बैक टू नॉर्मल प्री कोविड लेवल। ओके अग्रीड सर। अच्छा मुझे एक्चुअली मार्जिन डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो एक चीज़ समझना चाह रही थी, आपका जो रीसेंट ट्रांजैक्शन था पवई का लैंड आप वास्कोन को यहाँ से दे रहे हैं और साथ ही में गोवा के होटल के अंदर स्टेक ले रहे हैं, ये किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, कब तक टाइमलाइंस आप देख रहे हैं कंप्लीट होने के लिए और कितना बेनिफिशियरी रहेगा, एक आइडिया उसके लिहाज से, और साथ ही तंजानिया के अंदर जो लैंड है उसको लेकर आगे क्या अपडेट्स हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। सी हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे अपना जो पवई का लैंड है उसको बेचने का, बट कोविड आ गया फिर उसके कारण बायर्स नहीं, हम आउटराइट सेल करना चाहते थे तो वो डील हो नहीं पा रहा। अभी क्या हुआ है कि जो हमारी लैंड वहां फंसी हुई है ऑलमोस्ट 10 साल से वो लैंड पड़ी हुई थी जिससे हमको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो हमने वैस्कॉन वाले से बात किया, दे आर आवर पार्टनर्स इन द गोवा होटल, गोवा होटल में उनके 50% स्टेक था, तो हमने उनसे करके ये प्योर पार्टनर डील हुआ है और जो है हम मतलब कि पवई का लैंड दे रहे हैं उनको और उसके बदले में वो हमें गोवा के होटल का 50% स्टेक हमें वापस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, गोवा होटल जो प्रॉफिटेबल होटल है और उसमें कोई लोन वगैरह नहीं है, प्लस गोवा इनकम टैक्स पे ही पेड होटल है, वहां पे हम इनकम टैक्स हमें इनकम पे लगता है, तो वो होटल लेके अगर हम मर्ज कर लेंगे तो उससे हमें थोड़ा टैक्स का भी बेनिफिट हो जाएगा ओवरऑल ग्रुप को, और दूसरा जो है कि वो जो 50% वहां प्रॉफिटेबल काफी प्रॉफिटेबल होटल है गोवा का, तो वो प्रॉफिट भी हमें बॉटम लाइन में आएगी, प्लस जो ये लैंड वास्कोन वाले लेंगे दे आर बेसिकली वो लोग रियल स्टेट कंपनी है, सो उन लोग भी वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करके दे विल ऑल्सो मेक सम मनी, तो इट इज अ गुड डील फॉर बोथ ऑफ अस एज अ बोथ आर लिस्टेड कंपनी, तो दोनों के लिए काफी अच्छी डील रही है और हमारा मार्जिन जो है अगले साल से काफी बढ़ जाएगा। हमने ये MOU साइन किया है उनके साथ और 60 दिन के अंदर में इसको पूरा इफेक्टिव कर देने का हमारा प्लान है, रोड मैप। ओके अग्रीड सर। और ये जो मार्जिन की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कितना इजाफा आते हुए देखेंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे उसके लिहाज से दे पाए, क्योंकि जहां तक नहीं ये डील के बाद से रॉयल ऑर्किड को लगभग साल का 5 करोड़ रुपए का इजाफा आए जो रिटर्न हमें नहीं आ रही थी पवई के लैंड से। ओके अग्रीड सर। अच्छा मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रही थी, मार्जिन्स क्योंकि मैं जो भी रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ वहां पे कुछ जो डिमांड के लिहाज से रिवेंज ट्रैवल को लेकर कमेंट्स पढ़ रही थी, उसके बेनिफिट्स आपकी जैसी कंपनीज को सबसे बेहतरीन मिलते हुए दिखेंगे, क्या ये सिनेरियो आप विटनेस कर रहे हैं, एक आइडिया आपकी तरफ से अगर आप मुझे दे पाए। अभी हमारे जितने भी लेजर होटल है ना, जैसे गोवा का होटल हुआ, मस्पी हुआ, मैसूर हुआ, पैक्ड चल रहा है, टर्नो रूम्स, ओके। अभी कोरोना का मतलब कि सेकेंड वेव के खत्म होने के बाद लोग जो डोमेस्टिक ट्रैवल इतना बढ़ गया है जिसके कारण जो है पूरा पैक्ड चल रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी थॉट दैट की लेजर डेस्टिनेशन अच्छे नहीं करेंगे, बहुत अच्छे करने वाले हैं इन टाइम टू कम, और जो है
चैलेंज थोड़ा है वो है बिजनेस होटल को लेकर के है, वो थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह जब खुलेगा पूरा पूरी तरह से तब जो है दे विल कम ऑन ट्रैक। ओके, और डेट स्ट्रक्चर उसके इम्प्रूवमेंट को लेकर क्या प्लान्स हैं आगे वो आप मुझे बता पाएं, और तांजानिया के लैंड को लेकर हम लोगों ने बात नहीं की, वहां पे क्या प्लान्स हैं आगे? तांजानिया के भी लैंड हम उसको बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो बिक जाए, काफी लोगों से बातचीत चल रही है, लेकिन यू नो लैंड डील्स वगैरह जब तक डील साइन ऑफ नहीं होती तब तक बताना मुश्किल होता है, बट हमारा प्रयत्न वही है कि तांजानिया का लैंड आउटराइट बेच करके वो पैसा लाके थोड़ा हम डेट को जो है कम कर, दैट्स द प्लान ऑफ द कंपनी। ओके, और डेट स्ट्रक्चर उसको किस तरीके से शेप अप होगा FY22 के एंड तक बात कर ले तो? अभी देखिए डेट तो हम कम, डेट तो कोई भी कम नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड जो है, रीपेमेंट्स अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि डेट में हमने जो रॉयल ऑर्किड हमारा जो स्टैंड अलोन है जिसमें ऑलमोस्ट 43 करोड़ डेट था, उसको हमने HDFC बैंक से सॉफ्ट कर लिया, पहले ICICI बैंक में था और वो तो 9.8% इंटरेस्ट पे था, उसको हमने HDFC से सॉफ्ट कर लिया इन द मंथ ऑफ मे एट 7.5% इंटरेस्ट, तो दैट इज वन गुड बूस्ट वी हैव हम लोगों ने दिया है जिससे हमारा ब्याज थोड़ा हो गया है, बट आगे देखते जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा होटेल्स का तो हम डेट भी कम कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अगली बार जब हम लोग बातचीत करेंगे और डिटेल में बातचीत कर पाए इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रॉयल ऑर्किड्स मैनेजमेंट आपके साथ जोड़ाया था, અને જે પ્રમાણે કંપનીએ અત્યારે પવઈનો લેન્ડ છે એ આ કંપનીને સોંપી દીધો છે, અને બીજું જે ગોવાની અંદર પ્રોપર્ટી છે એને અહીંયા આગળથી બાકીનો સ્ટેક અક્વાયર કરી લીધો છે, હવે આ ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રુક્ટિફાય થઈ ચૂક્યું છે, કેવી રીતના બેનિફિટ્સ યીલ્ડ થાય છે એની પર ખાસ નજર રાખવી જોઈએ? 65% ઓક્યુપન્સીસ પર અત્યારે ઓલરેડી હોટેલ્સ કામકાજ કરી રહી છે, અને કંપનીનો નોર્મલ કોર્સ ઓફ બિઝનેસની અંદર જ્યારે નિયરલી 45% અરાઉન્ડ ઓક્યુપન્સીસ હોય છે ત્યારે બ્રેક ઇવન પર આવે છે, એઝ ઓફ નાઉ કંપનીના જે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન્સ છે એની અંદર થોડુંક એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવનાર ક્વાર્ટર્સમાં કેવી રીતના આવે છે એની પર વધારે ધ્યાન રહેશે, કંપનીની જે ઓપરેશનલ એફિશિયન્સીસ છે કેવી રીતના પુટઅપ થાય છે એની પર વધારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, ફોકસ કરતા રહીશું કેવી રીતના ટર્નઆઉટ થાય છે, અને ઇનકેસ તાંઝાનિયાના લેન્ડને લઈને પણ અહીં આગળથી કોઈ નવા બાયર્સની અપડેટ્સ આવતી દેખાય છે તો એ પણ એક મેજર ટ્રિગર પોઈન્ટ રહેશે, ધ્યાન રાખતા રહીશું।